ये शो के पहले हिस्से में हमने आपको याद है ना बताया था कि भारत की कूटनीति की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब हम आपको भारत की कूटने की नीति को लेकर आई एक नई रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए आईना है जो भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, जो भारत की सेना से उसके पराक्रम का सबूत मांगते हैं। सबूत गैंग के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा कह लीजिए, सबूत गैंग का मुंह बंद करने वाली ये रिपोर्ट आज उस सबूत गैंग का मुंह बंद कर देगी। ये रिपोर्ट नए भारत के नए इरादों को साबित करती है और ये बताती है कि नया भारत किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो हम किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और भारत को तोड़ने का सपना देखने वालों को घर में घुसकर मारते हैं। भारत की इस कूटने वाली नीति, कूटनीति नहीं, कूटनीति का चैप्टर हमने आपको शुरुआत में दिखा दिया। ये कूटने वाली नीति पर अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक इस वक्त आपके सामने, एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। ये जो रिपोर्ट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में फैले अमेरिका के खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है। बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट ये मानी जाती है और इसे चर्चा के लिए अमेरिका की संसद में पेश किया जाता है। अब ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट 40 पन्नों की है। 40 पन्नों की इस रिपोर्ट में लिखा गया है। क्या लिखा गया मैं वो पढ़ देता हूं। इसके 35वें पन्ने पर क्या लिखा गया है वो एक बार आपको पढ़कर मैं बता देता हूं। उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया इज मोर लाइकली देन इन द पास्ट टू रिस्पॉन्ड विद मिलिट्री फोर्स टू परसीव्ड और रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन। मतलब भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये यूएस की रिपोर्ट कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की ऐसी किसी भी हरकत का सैन्य तौर पर जवाब देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3, समझ रहे हैं। और अगर यही रिपोर्ट में लिखा गया अगर कि इंडिया इज मोर लाइकली देन इन पास्ट टू रिस्पॉन्ड विद मिलिट्री फोर्स ईच साइड्स परसेप्शन ऑफ हाई टेंशन रेजेस द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद वायलेंट अनरेस्ट इन कश्मीर, और इसमें जो आगे लिखा गया कि पाकिस्तान ने भारत को उकसाया या भारत को लगा भी कि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये यूएस की रिपोर्ट बता रही है, यूएस इंटेलिजेंस। तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये नया भारत है। पहले डराया जाता था कि परमाणु संपन्न है पाकिस्तान, लेकिन अब अमेरिका की रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से ज्यादा बुरी मार मारेगा इस बार भारत। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में हिंसा होती है, रिपोर्ट में लिखा है कि अगर हिंसा होती है या फिर कोई आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान भी ध्यान से सुन ले, यूएस की रिपोर्ट चेता रही है, तो ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बन सकती है। ये रिपोर्ट हमारे हाथ में, इसके 34वें पन्ने पर ये बातें लिखी हुई है जो मैं आपको लगातार पढ़कर बता रहा हूं कि अगर इंडिया इज मोर लाइकली देन इन द पास्ट टू रिस्पॉन्ड विद मिलिट्री फोर्स टू परसीव्ड और रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशंस अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहले से ज्यादा और ज्यादा तैयार है और ज्यादा मुखर जवाब देगा। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3। अगर कोई गलती हुई, इसमें लिखा अगर गलती हुई या भारत को लगा भी कि पाकिस्तान अगर बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, अमेरिका खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट, इस प्रतिष्ठित रिपोर्ट से दो बातें साफ है। पहली ये कि यह नया भारत है जो पाकिस्तान की किसी भी उकसावे पर अब चुप बैठने वाला नहीं है, और दूसरी यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की तरफ से गड़बड़ी का अंदेशा होने पर भी भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई कर सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक, जो नाम सुन के पाकिस्तान आज भी कांपता है। याद होगा ना आपको, एक समय पर भारत में हर साल आतंकवाद की घटनाएं होती थी, भारत के अलग अलग शहरों में। याद है ना वो दौर, मुंबई हमला, ये हमला, वो हमला, 26/11 जैसा हमला, हर दिन एक नए शहर पर हमला, लेकिन तब की सरकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सैन्य कार्रवाई नहीं की, सिर्फ डोजियर दिए गए, सबूत पर सबूत दिए गए, पाकिस्तान से जवाब मांगा गया। लेकिन आपको याद होगा कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में एक सैन्य बेस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस हार भारत ने कूटनीति नहीं,
कूटने की नीति को अपनाया और 10 दिनों के अंदर अंदर भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के 70 से 80 कमांडोज ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनकी सेना और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाया था और भारतीय जवानों की शहादत का बदला ये रिपोर्ट इसी बात का सबूत है कि नया भारत है, अब पाकिस्तान संभल जाए। एक और गलती और पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है। यह कार्रवाई डंके की चोट पर की गई थी और दुनिया के बड़े बड़े देशों को यह कहना पड़ा था कि भारत को भी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। हालांकि यहां पर कुछ सवाल उठाए गए थे। सोचिए, पहले दुनिया उल्टे भारत पर ही दोष मढ़ देती थी, आतंकवाद को भारत का अंदरूनी समस्या बता दी जाती थी, गुड टेरर बैड टेरर, भारत को सलाह दी जाती थी कि आप पलट कर मत हमला करिए, पाकिस्तान भी एक परमाणु न्यूक्लियर स्टेट है, याद है ना, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। लेकिन अब अमेरिका खुद कह रहा है कि अब पाकिस्तान ने कुछ किया तो इस बार भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन नए भारत की कूटने वाली नीति का ही असर था कि इस बार दुनिया के ज्यादातर बड़े और महत्वपूर्ण देश भारत के साथ खड़े थे। फिर उसके बाद क्या हुआ 2019 में, याद है ना आपको, पुलवामा 14 फरवरी के दिन पुलवामा में जो हुआ उस मतलब उसे देश कभी नहीं भुला सकता। 14 फरवरी के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 के करीब जवान हमारे शहीद हुए थे, याद है ना आपको, काफिला जवानों के ले जा रहे काफिले पर अटैक हुआ था, कार बम, 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उरी की तरह इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान से संचालित होने वाला आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद था और इस बार भी पिछली बार 10 दिन में घुसकर मारा, इस बार 12 दिन भी नहीं बीते थे, 12 दिनों में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर अपने जवानों की शहादत का बदला ले लिया। और यही रिपोर्ट अब फिर से अलर्ट दे रही है कि इस बार छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। 26 फरवरी की रात को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और करीब 250 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया और सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। वी हिट बैक आफ्टर पुलवामा, वी क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वी ओवरफ्लू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वी क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, वी हिट इनसाइड प्रॉपर पाकिस्तान। बालाकोट इज इन पाकिस्तान, बालाकोट इज नॉट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। So that is where we breached their air defense system, we breached their Pakistan Air Force, we hit and we came back safely. Now that is the strength, military strength of a nation. और इसी दो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब ये रिपोर्ट भी बता रही है, अमेरिका की रिपोर्ट, क्या अगर कोई गलती की तो इस बार बचना मुश्किल है। इसी एयर स्ट्राइक के बाद, बालाकोट के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं है अपनी तरफ से, लेकिन कोई छेड़ेगा ना तो छोड़ता भी नहीं है, खतरा सीमा के भीतर हो या फिर सीमा पार, नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। यह अमेरिका की रिपोर्ट भी मान रही है। गोली का जवाब अब गोले से देगा नया भारत। सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। अब आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री की इसी नेतृत्व क्षमता का ही नतीजा है ना ये कि आज अमेरिका के खुफिया विभाग की एक बड़ी रिपोर्ट भी कह रही है कि अब ये पुराना भारत नहीं है बल्कि नया भारत हमला होने पर ही नहीं बल्कि हमला होने की आशंका होने पर भी कार्रवाई कर सकता है इस रिपोर्ट में। अच्छा, भारत चीन सीमा का भी विवाद का भी जिक्र है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबूत गैंग के मुंह पर तमाचा। इस बारे में इसमें लिखा गया कि 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई और यह हालात आगे भी बने रहेंगे अगर चीन ने अपनी सैन्य ताकत, ध्यान से सुनिएगा यूएस रिपोर्ट के शब्द हैं, अगर चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया तो भारत ने भी सीमा पर अपनी ताकत दिखाई है। गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम का परिचय दिया भारत ने और यह स्थिति दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बन सकती है। यानी कि अमेरिका जैसे देश को भी लग रहा है कि नया भारत किसी भी मोर्चे पर अब पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे पाकिस्तान या चीन, फिर चाहे मोर्चा चीन के खिलाफ हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ। जो बात अमेरिकी रिपोर्ट में नहीं लिखी है वो ये कि भारत दो मोर्चों पर नहीं 2.5 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है, ये नहीं लिखा है इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एक मोर्चा, चीन दूसरा मोर्चा, लेकिन 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात नहीं लिखी है इस रिपोर्ट में। याद है ना आपको, पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था कि भारत की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नहीं
बल्कि भारत के अंदर बैठे जो लोग भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई है। ढाई मोर्चे, भारत इस ढाई मोर्चे को भी जीत लेगा। लेकिन अफसोस पता किस बात का? इस बात का होता है कि मजबूत भारत को कमजोर करने वाले कुछ लोग अपनी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। यूएस मान रहा है, अमेरिका मान रहा है, खुफिया विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि भारत जो है पलट कर मारता है, घुसकर मारता है। अमेरिका भी मान रहा है, पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं। लेकिन दुख इसी चीज का है, ढाई मोर्चे वाली बात, कि अपने देश के कुछ लोग अपने ही सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। और भारत में चीन घुस आया है, हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, ये हो गया, हमने मारा, हमने हड्डियां तोड़ दी गलवान में, यह वाइब फैलाई जाती है ना कि चीन घुस आया। मतलब ऐसे लोगों को आज अमेरिका से आई ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको पढ़िए। हमने पढ़ा 40 पन्नों को, और सोचना चाहिए कि नया भारत गर्व करने का विषय है या विदेशों में जाकर भारत की शिकायत करने का।